क्या आप खून से सना सैनिटरी पैड लेकर अपने दोस्त के घर जा सकते हैं? घबराइए नहीं, ये सवाल मेरा नहीं बल्कि मोदी कैबिनेट की टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने पूछा है। इनके बयानों की चर्चा हर तरफ हो रही है। 23 अक्टूबर को मुंबई में यंग थिंकर्स के नाम से एक कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कार्यक्रम में स्मृति ईरानी बतौर गेस्ट पहुंची थी। यहां बातों बातों में स्मृति ईरानी से सबरीमाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में पूछ लिया गया, जिस पर स्मृति ईरानी ने कहा, आई बिलीव आई हैव अ राइट टू प्रे बट आई डोंट हैव अ राइट टू डेसिक्रेट एंड दैट इज द डिफरेंस दैट वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट। सो द डिफरेंस इज I'm nobody to speak on the Supreme Court verdict because I'm a current serving cabinet minister. But just plain common sense, would you take sanitary napkins steeped in menstrual blood and walk into a friend's home? You would not. And would you think that it is respectful to do the same when you walk into the house of God? लेकिन आपको बताते हुए मुझे ये बहुत हैरानी हो रही है कि स्मृति ईरानी का ये बयान एक फेक न्यूज़ पर आधारित है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई कि फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा सबरीमाला मंदिर में खून से सना सैनिटरी नैपकिन लेकर गई थी और उन्होंने अपने दोस्त के साथ ये प्लानिंग भी की थी कि इस खून से सने सैनिटरी नैपकिन को वो सबरीमाला मंदिर के देवता अयप्पा के ऊपर फेंकेंगी। हालांकि रेहाना फातिमा ने इस पूरे खबर को सिरे से नकार दिया था और उन्होंने कहा था कि ये एक फेक न्यूज़ है। असल में घटना की सच्चाई कुछ और ही है। रेहाना जब सबरीमाला मंदिर जा रही थी तो उनके पीरियड्स चल रहे थे, इसी वजह से मंदिर में ले जाने वाले सामान में उन्होंने एक सैनिटरी पैड का नया पैकेट रखा था, जिसकी उन्होंने पूरी सिक्योरिटी जाँच भी कराई थी। लेकिन हर बात में राजनीति करने वाले लोगों ने इस बात में भी हिंदू मुस्लिम का फैक्टर निकाला और सोशल मीडिया पर एक एजेंडा चलाया। ये तो था महिला मंत्री के बयान का सच। लेकिन अब बात पीरियड्स और सैनिटरी नैपकिन पर। पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके रहते महिलाएं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और दुनिया के तमाम काम कर रही हैं, तो फिर वो पीरियड्स में मंदिर क्यों नहीं जा सकती? और अगर वो मंदिर जाए तो अपने साथ सैनिटरी पैड क्यों ना लेकर जाए? क्योंकि सैनिटरी पैड रखना तो हर महिला का अधिकार है। महिला मंदिर में हो या किसी दोस्त के घर में, खेल के मैदान में या किसी पार्टी में, वो जहाँ चाहे वहाँ पैड लेकर जाए, इसमें किसी को आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। और अगर आपत्ति है तो क्यों है? इस शारीरिक बनावट से अगर किसी मंदिर के देवता, अल्लाह, जीजस या किसी भी सो कॉल्ड धर्म को खतरा है तो उस धर्म में बदलाव की ज़रूरत है। हम पीरियड हाइजीन पर बात करने की बजाय इस बात में अटके हैं कि महिला अपने साथ पैड लेकर चले या ना चले। क्या आप भी महिलाओं के बारे में ऐसी ही सोच रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए।